जंग खाई हुई है। तो आप क्या करेंगे? अच्छा सुनिए, मेरी गाड़ी से टूल बॉक्स लेके आइए जल्दी। हाँ ठीक है। अतारी, पर हम तो गाड़ी में नहीं आए, गाड़ी तो पंचर हो गई थी, अब टूल बॉक्स कहाँ से दूँ? यहाँ बाइक में से कुछ मिल सकता है। मैं मना कर रही थी कॉफी से मिलने से, पर खुद ही नहीं रह पाई। मुझे पता था कोकिला वैसी की वैसी ही है, एकदम नारियल की तरह, बाहर से कड़क और अंदर से मलाई जैसी नरम। मुझे विवान जी को बताना होगा कि कॉफी की जान खतरे में है। हाँ जल्दी आइए। क्या चीज़ है? जी 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 जी। हाँ। ये जल्दी करना, कोई आ जाएगा। वाह, हो गया। नीचे आ जा, नीचे आ जा। दिस अंदर के पास, बस वहीं पे। अब है ना, स्क्रू ड्राइवर से खिड़की खोलने की कोशिश कर। इस वक्त किसको देख के चिल्ला रही है? क्या हुआ? पकड़ो इसे! की बात कर रही है, किसको देखा तूने? उन्होंने मेरे पति को मारा है, जाओ पकड़ो। माँ, माँ, हम आ गए हैं गोपी, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है ना?
कान्हा जी का लाख लाख शुक्र कि तुम दोनों यहाँ आ गए। पर माँ सब क्या हो रहा है? हाँ गोपी, और तूने कोकिला जी से ये सब बातें की? वो अभी आई थी ना यहाँ पे। दादी यहाँ आई थी? हाँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है नानी, दादी ने हमें मना किया और फिर वो खुद कैसे आ सकती है यहाँ पे? नानी आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना? नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है गाड़ी में जाते हुए। हाँ मामी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आपने जो देखा वो सही सही नहीं था, क्योंकि वो माँ जी नहीं है। मेरी नजर इतनी कमजोर थोड़ी ना है, हाँ? वो विवान जी थी गोपी। सारी कहानी के पीछे वही जड़ वही औरत जो माँ जी का नकाब काप कर हमारे घर में घुस आई। वो एक बहरूपिया है, एक सब्जी वाली है, जिसने माँ जी को किडनैप करके रखा है। और हमारे घर में आकर उनकी जगह ले ली। मेरे मेरे मौजी के प्राण मेरी मुट्ठी में बंद है, जब तक तू चुप रहेगी तेरी माँ जी सही सलामत है। बहन को बुलाएगी, उसका हाथ काटेगी, इसी सजा से सिखाएगी कि तू पागल हो गई है। मीरा भले यहाँ हो लेकिन विद्या तो वहां गई है ना, फिर आप यहाँ क्यों आए? पागलपन का नाटक भी उसके दबाव पे आकर मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ जी उसके कब्जे में, माँ जी की जान खतरे में है। मामी जी पर माँ दादी है कहाँ? मेरा ये तो मैं नहीं जानती बेटा, इस वक्त दादी कहाँ है। बस हाँ इतना मुझे यकीन हो गया है कि माँ जी हो ना हो हमारे घर के करीब ही है, क्योंकि उस दिन जब ब्लड टेस्ट हुआ था ना मामी जी, तो उस प्रेमलता ने माँ जी को ही भेजा था ब्लड देने। और इतने कम समय में माँ जी ब्लड देने आ गई और वापस चली भी गई, और शक मुझे तभी हो गया कि माँ जी कहीं ना कहीं घर के आस पास ही। माम अब हम क्या करेंगे, कैसे ढूंढे दादी को? तुम्हें ही पता ना विद्या। तो क्या हुआ अगर आप यहाँ है? हम तो है ना, हम दादी को ढूंढेंगे पक्का। नहीं मीरा ये भूल गलती से भी मत करना, अगर तुम लोग वहां गए मोदी भवन में तो उस प्रेमलता को शक हो जाएगा, बल्कि शक नहीं यकीन हो जाएगा कि तुम लोगों को सब कुछ पता चल गया है। और इस वक्त ये खतरा मैं मोड़ नहीं ले सकती, माँ जी उसके कब्जे में है। हमें कुछ तो करना होगा ना। हाँ विद्या, पर तुम्हें नहीं मुझे करना होगा। पर कैसे करूं? मैं जब तक इस हॉस्पिटल में हूं मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहां से निकलना होगा। और अगर मैं यहां से बाहर निकल गई तो उस प्रेमलता को पता चल जाएगा। एक आइडिया है माँ, आपको याद है तब हमेशा कहा करते थे ना कि मैं बिल्कुल आपकी परछाई हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं आप जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी। कम से कम आज इस वक्त आपकी जगह तो ले सकती हूँ ना। क्या नहीं विद्या, तू ऐसे कुछ नहीं करेगी। प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यहाँ आपकी जगह रहूंगी तो आप मेरी जगह बाहर जाके दादी को ढूंढ सकती हैं। नहीं विद्या, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, और यहाँ के वार्ड बॉय भी उसके साथ मिले हुए हैं, अगर इन्हें पता चल गया कि मेरी जगह पे तुम हो पता नहीं वो क्या करेंगे। नहीं पहचान पाएंगे माँ, मेरा विश्वास कीजिए।
तुम लोग चाहे मुझ पे टॉर्चर करे या कुछ भी, मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं देखने दूंगी। पर विद्या माँ प्लीज, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके सिखाए हुए सिद्धांतों पे खरी उतरूंगी। जो धैर्य और सहनशीलता आप में है ना, आज उसी धैर्य और सहनशीलता से मैं हर मुसीबत का डट के सामना करूंगी। विद्या, विद्या, वो लोग तुझे बिजली का झटका भी दे सकते हैं। नहीं मामी जी, वो वर्ड बॉय कह रहा था कि 4 घंटे के बाद ही मुझे बिजली के झटके दिए जाएंगे। तो बस इसका मतलब है कि हमारे पास 4 घंटे हैं। इतने में आप साथी को ढूंढ पाएंगी ना? मेरा दिल नहीं मान रहा है बेटा। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, हमारे पास वक्त नहीं है। साथी की जान खतरे में है माँ, हमें कुछ भी करके उन्हें ढूंढना होगा। हाँ चलिए प्लीज जल्दी कीजिए, आप अपने कपड़े मुझे दे दीजिए और मेरे कपड़े पहन लीजिए। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। दी नानी, आप लोग मेरे हाथ पैर बांध दीजिए। पर माँ 4 घंटे में हम दादी को कैसे ढूंढ पाएंगी? मुझे ढूंढना होगा मीरा। और वैसे मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा विश्वास है कि वो हमेशा मेरे साथ, जिस तरह से उन्होंने हमें ये राह दिखाई है ठीक उसी तरह से वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा भी देंगे। मैं और नानी आपके साथ चलेंगे। ओके नहीं बिल्कुल भी नहीं गोपी। हाँ मामी जी, आप और मेरा घर जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्रेम लता को जरा सा भी शक हो कि तुम लोगों को सब कुछ पता चल गया है। गौरा मासी से कह देना कि विद्या मंदिर गई है पूजा के लिए, और तब तक मैं माँ जी को ढूंढ लूंगी। लेकिन माँ सुनिए तो। मीरा समझने की कोशिश करो, प्रेमलता ये सब कुछ अकेली नहीं कर रही है, जरूर कोई ना कोई है जो उसके साथ मिला हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे परिवार में से ही कोई है। इसीलिए अगले 4 घंटे तक हमें बहुत ही सावधानी से हर एक चीज करनी होगी। पाजी के जान को खतरा है, समझ रही हो ना? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।